हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि पैलेट से सोफा कैसे बनाते और आप अपने लिविंग रूम को चार चांद कैसे लगाते, वो भी एकदम सस्ते में। ये बीच में तो सेंटर टेबल आप देख रहे हैं, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दूसरे लिंक पे जाना पड़ेगा। भैया ये सोफा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई नो। ये सोफा बनाने के लिए मैं 8 पैलेट लेके आया, वो भी पुराना। पर भैया ये तो नया जैसा है। नहीं छोटे, ये एकदम पुराना है। बट ये पैलेट तो बड़ा था, तो इसको बीच में से टुकड़ा टुकड़ा कर देने का। बट भैया टुकड़ा टुकड़ा नहीं, सिर्फ 2 टुकड़ा किया। हाँ वही, 2 टुकड़ा करने का। अब 2 टुकड़ा करके इसका हाइट बढ़ाने का, एक के ऊपर एक रख के, और कुछ पैलेट को डिसमेंटल करके इसमें पीछे से बैकरेस्ट बनाने का। अभी मेरा बोटी दिखाएगा कि बैकरेस्ट पीछे कैसे लगेगा। ये देखा, 4 लकड़ी से 2 लकड़ी के ऊपर फिक्स करके उसका बैकरेस्ट बनाने का। 2 लकड़ी को पीछे खड़ा किया और उसको एज अ सपोर्ट करके ये बैकरेस्ट को उस पर फिक्स किया। जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये जस्ट डेमो के लिए है। फिर बाद में इसको ऐसे तरीके से टेपर करके इसको स्क्रू से टाइट करने का। टाइट करके देखा, सोफा ऐसे बन के तैयार। आप देख सकता कि पूरे सोफे का फ्रेम और स्ट्रक्चर बन के तैयार। भैया इसमें प्लाई क्यों डाला, वो भी 8 mm का। ये पागल, फोम तो इसी पे लगाएगा ना। बढ़िया अच्छा वाला फोम लाने का और उसको इसके ऊपर फिक्स किया। फिक्स करके बढ़िया एक पतला वाला फोम से इसको आगे से कर्व दिया और फिर इस पर कपड़ा फेंक के मारने का। भैया फेंक के नहीं मारने का, अच्छे से स्टेपल करने का। हाँ वही, कपड़े को अच्छे से फैलाने के नीचे से प्लाई में स्टेपल करना। और अगर आपके पास अगर घर में छोटा बच्चा तो आप रेगजीन भी यूज कर सकता। ये देखो कैसा लगता, सुंदर है ना। अब सोफे पे कुशन रख के सोफे का अच्छा वाला फील लेना। और अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, तो तुमको आगे भी ऐसा बहुत सारा वीडियो मिलेगा।